Hello everyone and welcome to yet another video. In this video we are going to talk about the map breeze. Map में rotation कैसे करनी है, कौन से agents खेलने हैं, किस तरीके से execute करना है, flank कैसे करना है, flank counter कैसे करना है, ये सब देखने वाले हैं. Halls में कैसे play बनाना है, सब देखने वाले इस video के अंदर. सीधा चलते हैं map के अंदर और ये रहा. और अभी viper nerf हो गया है, उसके बाद मुझे पता नहीं viper कैसा है इस map पे. मैंने वाइपर के नर्व्स देखे भी नहीं है, तो मैं स्टार्ट वाइपर से ही करूँगा. वाइपर के नर्व्स भी, जो नर्व हुआ है वाइपर का वो भी देख लूँगा और कैसे वाइपर खेलना है. अगर वाइपर नहीं खेलना है तो हार्बर भी खेल सकते हैं उसके जगह पे. तो सबसे पहले एजेंट्स की बात कर लेते हैं. डोलिस में आपके आ जाएंगे जेट और योरू प्राइमरी. योरू नहीं खेलना आता है, रेना ले लो. इसके अलावा नियॉन भी खेल सकते हो अगर वो आता है तो, ठीक है, बट जेट तो लेना ही है. जेट जेट इज अ मस्ट ऑन दिस मैप. और योरू आता है वेल एंड गुड, योरू काफ़ी स्ट्रांग है इस मैप पे. तो जो वाइपर के नर्व्स हैं, अच्छा मॉली एक कर दिया ना इसकी, और मॉली का डैमेज शायद थोड़ा सा बढ़ा दिया है. और जो स्मोक है वो अब हम सिर्फ एजेंट्स प्रीस टाइम, जो बाय टाइम होता है उसी टाइम पे स्मोक वापस उठा सकते हैं. अब ये स्मोक में वापस नहीं ले सकता. यस, और वॉल और स्मोक अगर दोनों साथ में ऑन है जस्ट इन केस, तो उसकी उसका जो पॉइजन है वो शायद जल्दी ख़त्म हो जाता है अब पहले से भी. ठीक है, अगर वाइपर खेल रहे हो तो मिड वॉल कट कर सकते हो या फिर ऐसे वॉल बना सकते हो. अगर ऐसे वॉल बनाओगे तो बंदे स्टोन पे वॉक इन कर जाते हैं, वो देख लेना. वहाँ की जगह अगर या तो ऐसा क्रॉस वॉल कर दो मैप में इस तरीके से, या फिर यहाँ से जो एक वॉल क्रॉस होती है ये काफ़ी अच्छी वॉल लगती है मुझे, क्योंकि जब मैं एंटर करता हूँ तो वो वॉल मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगती है. वरना अगर यहाँ स्मोक कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अब स्मोक ध्यान से करना होगा आपको, क्योंकि आप वापस उठा नहीं पाओगे. तो डिफेंस में वाइपर ए साइड का सेटअप ये हो गया. मॉली करके डिले कर सकते हो. मॉली तब करा करो जब स्मोक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब वो नहीं आएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे इसलिए. और तब तक जब तक मॉली जाएगी आपकी, तब तक थोड़ा सा फ्यूल जनरेट हो जाएगा, तो आप वापस स्मोक ऑन कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से स्मोक और वॉल यूज़ करनी होती है आइडियली, वरना राउंड के सिचुएशन के हिसाब से आप देख लोगे सामने वाले बिल्कुल अंधा डब्ल्यू कर रहे हैं. स्मोक के अंदर भी मॉली डाल दो, ताकि स्मोक से वॉक इन करते टाइम एचपी भी कम होगी, वल्नरेबल भी हो जाएंगे. शायद फैंटम वैंडल दोनों की एक एक बुलेट में मर सकते हो लोग. ठीक है, ये हो गया ए पे वाइपर का सेटअप. बी पे यहाँ पे एक स्मोक डाल दोगे आप. स्मोक मोस्टली आप डाला करो जब राउंड स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ तक थोड़ा है ना. राउंड स्टार्ट होने से पहले डालोगे तो यहाँ डाल पाओगे, तो जो बबल है वो यहाँ बाहर की तरफ बनेगा. उनको बबल यहाँ तक बनाओ पूरा, ये एंट्रेंस तक. ठीक है, तो यहाँ पे डालोगे स्मोक तो उसका बबल यहाँ तक आएगा. उसके बाद आप बी तभी खेले जब वाइपर साइफर ए खेल रहा है, और मतलब साइफर वाइपर दोनों अलग अलग जगह खेले, क्योंकि दोनों एंकर हैं, होल्ड करा सकते हैं साइट. और रैंक मैच में आपको बताइए सिर्फ डब्ल्यू गेमिंग होती है, तो प्रेफर करूँगा कि दोनों अलग अलग जगह पे खेले. या फिर आपको बहुत ज़्यादा रीड है कि इस बार तो बी ही आने वाले, वाइपर साइफर दोनों एक खिला दो, दोनों एक साइड पे खिला दो. लेकिन वो बिल्कुल श्योर होने चाहिए आपकी, अब यार चार पांच राउंड से उनको बी नहीं मिल रहा है या ए नहीं मिल रहा है, तो अब वो साइड चेंज करेंगे ऐसा कुछ. वो आपकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम कि आपको कैसे डिसाइड करना है. ठीक है, एजेंट्स मैंने बता दिए, साइफर वाइपर या हार्बर. तो अटैक जब करेंगे उस टाइम पे, पहले मैं डिफेंस का बताता हूँ. साइफर खेलना है तो एजेंट चेंज करके बताता हूँ मैं. साइफर अगर आपको खेलना है 30 seconds left. I can't see them yet. तो बी पे तो एक ट्रैप आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, जो सबसे बेसिक ट्रैप है. Where are you? वो है साइफर का ये वाला ट्रैप, जो मोस्ट प्रोबेबली सोवा ब्रेक कर देगा. तो अगर सामने वाली टीम में सोवा है, जो होना ही चाहिए, तो आप ये ट्रैप एक तो ना एकदम बिल्कुल कोने में लगाएं, हाँ यहाँ पे, ताकि वो ऐसे वॉक इन करके जब ब्रेक करने जाए तो टूटे ना. कभी कभी आप यहाँ लगाते हो ना, थोड़ा सा भी इधर हो गया तो ऐसे टूट जाता है वो. ठीक है, एक ट्रैप ये हो गया. दूसरा ट्रैप आपको सामने के एजेंट्स वगैरह देख के लगाने हैं. कभी 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 मेरे अगेंस्ट योरू होता है तो मैं यहाँ लगाता हूँ, या अगर मैं ये वाला ट्रैप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सोवा वैसे ही तोड़ देगा, तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ क्योंकि एक बंदा यहाँ वॉक इन करेगा. या फिर एक ट्रैप ये इस तरीके से हो गया. ट्रैप्स जो भी है, देखो मैं ट्रैप के सेटअप याद करने में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं कभी नहीं दिखता हूँ साइफर के ट्रैप सेटअप्स और ये सब,
अगर कोई ट्रैप बहुत ही इनसेन है, जैसे कुछ कुछ वन वेज वगैरह होते हैं, जैसे ये वन वे है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ट्रैप आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लगाना होता है, और ऐसे भी नहीं लगाना है, ऐसे भी नहीं लगाना है, पूरा इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो साइफर के जो ट्रैप्स हैं वो आपको लगाने हैं, आपकी मर्जी से कहीं भी लगाओ। अगर आपने ये ट्रैप भी लगा दिया है ना, ये भी वर्क करेगा, आपने बिना देखे ये लगा दिया ना, ये भी वर्क करेगा, ट्रैप सारे वर्क करेंगे। आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि वो जो ट्रैप आपने लगाया है ना, उसके हिसाब से आप अपने आप को पोजीशन करो कि जब उसमें बंदा वॉकिंग करे तो आप पहली बात तो मार पाओ, और दूसरी बात या तो आपके साथ दूसरा जो एजेंट है वो उस तरीके से क्रॉसर में खेल रहा है आपके साथ, मेक देम वॉक इन टू दैट ट्रैप। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे उसको, वो मजबूर कराओ उसको कि वो उस जगह पे जाए। ठीक है, वो अब धीरे धीरे खेल के आप सीखोगे कि कैसे स्पेस डिनाई करा जाता है। ठीक है, ये भी ट्रैप, कुछ भी ट्रैप लगा दो भाई, ये ट्रैप लगा दो, ये ट्रैप भी अच्छा होता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये वाला ट्रैप भी अच्छा होता है, क्योंकि राउंड स्टार्ट होता है तो एक बंदा इधर जाएगा दूसरा इधर आता ही है, और लोग ये कभी में हाइड करने को जाते हैं, तो ये ट्रैप लगाओगे यहाँ से खेलो या यहाँ कहीं से खेलोगे, ये बंदा जैसे ही वॉक इन करेगा इधर ये मरेगा यहाँ पे, है ना। फिर ये ट्रैप भी चलेगा, इवन ये ट्रैप भी चलेगा, ये ट्रैप मैंने VCT में देखा था, लोग इधर या इधर भी लगाते हैं या यहाँ तक, इतना पीछे तक लगाते हैं। तो ये ट्रैप आप तब लगाएंगे जब आप साइड बिल्कुल छोड़ने वाले, आपको लग रहा है कि मेरे से होल्ड नहीं हो रही है साइड, मैं यहाँ जो ट्रैप लगा रहा हूँ वो सोवा ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ ट्रैप लगा दो भाई, बंदे तो आएंगे ही स्पेस लेने आगे, अगर उनको फ्री साइट मिलेगी 5v5 रीटेक है तो वो ज़्यादा स्पेस लेने आएंगे, तो इस ट्रैप में वॉकिंग करेगा मरेगा। अब ऐसा भी मत कर देना कि मैंने बोला है तो यही ट्रैप लगाना है, वो आपको सब डिसाइड करना है राउंड के बीच में कि किस तरीके से चल रही है सिचुएशन। यहाँ वाले ट्रैप भी जैसे मैंने बताया, यूरू यहाँ TP करते हैं तो यहाँ खेल के केज यहाँ डालो, क्योंकि वो फ्लैश करेगा आपको, यूरू आपको फ्लैश करेगा, तो जैसे इधर फ्लैश आइए केज ऑन और इसमें फंसेगा वो और मार दिया। फिर कैमरा भी आपका यहाँ लगा होगा, तो जैसे ही एक बंदा मारो, क्योंकि आगे वाले ट्रैप तो अभी सुबह ने तोड़ दिए उस तरफ वाले, तो यहाँ पे जो केज एक है या फिर दूसरा केज इधर है, जो भी जिधर भी ट्रैप है, तो केज खोलने के बाद ऐसे कैमरा खोल के फट से बंद, ताकि आपको पता लगे कि रीपोजिशन किधर करना है। अगर वो लोग नहीं पुश कर पाए हैं अच्छे से, या फिर कोई इस तरफ नहीं आ रहा है या सब उधर गए, तो आप यहीं रुक सकते हो, वरना आप पीछे भागेंगे और फिर आराम से या तो कैमरा ब्रेक कर दिया है या इस वॉल पे रुकेंगे और वापस कैमरा खोल के आप देख लेंगे किधर फाइट लेनी। तब तक आपकी बाकी टीम भी आ चुकी है इधर आपको बैकअप करने, उनको भी रडार में दिख गया है कि बंदे किधर है कैमरा में से, तो ये हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर कैमराज मैं आपको बताता हूँ डिफेंस में किधर किधर लगा सकते हो, एक ये हो गया कैमरा, ये कैमरा मैं इसे लगाता हूँ क्योंकि उसमें मिड टनल भी दिखता है, इधर भी लगा सकते हो, इधर ये देखो टनल दिखता है उसमें। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हो, अगर वो लोग बार बार मिड लेते हैं और नेस्ट में जाते हैं, जो आपको डिफेंड करने में दिक्कत हो रही है कि नेस्ट से बार बार लर्क आ रहा है, तो यहाँ लगा सकते हो, इसमें देखो मेन भी दिख रहा है भी दिख रहा है, बट यही है जितना ज़्यादा ओपन होगा कैमरा उतना ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई बंदा उधर भी आ जाएगा वॉक करके तो वो भी तोड़ देगा। ठीक है, इधर भी कैमरा लगा सकते हो, ऐसे जिधर भी कैमरा किधर भी लगाना है लगाओ, हर राउंड थोड़ा थोड़ा चेंज करो ट्रैप्स में भी, और सामने वाले को रीड मत करने दो कि अरे ये तो ट्रैप यहीं लगा रहा है, वो सोवा सामने वाला सोवा इतने ईजिली ना ब्रेक कर दे बिना ड्रोन के, ये उसको पता है, उसको हर राउंड पता है आप यही ट्रैप लगा रहे हो, ये डिफॉल्ट वाला एक और एक यहाँ पे मान लो लगा रहे हो आप, तो वो राउंड स्टार्ट होते ही एक एक शॉक डॉट इधर मारेगा, एक शॉट शॉक डॉट इधर मारेगा, इतना ईजी मत करो उसके लिए, उसको एक ड्रोन इन्वेस्ट करने दो ट्रैप देखने के लिए, या योरू का क्लोन आने दो अंदर, है ना। सामने वाले अगर आपकी यूटिल वेस्ट हो रही है तो मेक श्योर करो उसके में सामने वाले की भी एक यूटिल वेस्ट हो रही है। चेस खेलते हो तो आप कैसा है कि अपना एक पॉन जा रहा है तो सामने वाले का भी कुछ तो जाए, एक उसको भी उसकी एक यूटिल लेके मरो भाई, और जब मर रहे हो तो उसका एक बंदा भी मार के मरो। ये हो गए बी के साइफर ट्रैप सेटअप्स, ए पे अगर वो बार बार मिड ले रहे हैं तो यहाँ ट्रैप लगा सकते हो एक केज के साथ, नहीं तो यहाँ से हटा के सबसे बढ़िया, अगर क्योंकि अगर डायरेक्ट रश कर रहे हैं तो दोनों बढ़िया ट्रैप जो मुझे लगते हैं, अरे यार ये मैंने अभी टेक्स्ट वो बढ़ाई ना, सेटिंग्स मैंने इंक्रीज करी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अरे ब्रीज में चेंज हो गया है क्या कुछ ब्रो, इधर से मैं ट्रैप लगा था एक, ये है क्या वो ट्रैप, दिस ट्रैप दिस इज़ वेरी यूजफुल, एक तो क्योंकि ट्रैप इतना लंबा है यहाँ तक कवर कर रहा है, और दूसरा ट्रैप ऐसे लगा दो, ट्राई करो जितना दूर तक आ पा रहा है यहाँ तक आ पा रहा है, ये लगा दिया। ठीक है, ये लगा सकते हो दो ट्रैप, या फिर ये वाला नहीं लगाना है तो इसी का सब्स्टिट्यूट है ये लगा दिया। ठीक है, क्योंकि बंदे इधर आएंगे, या फिर इधर लगा दिया, या और पीछे लगा दिया अगर योरू TP करता है तो, है ना, क्योंकि योरू इस मैप में बहुत खेला जाता है,
तो आपको सामने वाले एजेंट्स देख के काउंटर करना है। देखो यहाँ वहाँ ट्रैप आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये एरिया खुलता ही राउंड स्टार्ट होने के बाद है। तो आप इधर ट्रैप लगाओगे, उधर से वॉक इन करेंगे बंदे, उनको दिख जाएगा ट्रैप, राउंड स्टार्ट होते ही तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लगाना है। एक ट्रैप यहाँ लगा सकते हो अगर वो लोग बार बार कभी लेते हो और आपको बाकी जगह आप नहीं ले पा रहे हो, तो ये ट्रैप लगा सकते हो आप यहाँ पे। उधर जाते हैं बंदे, जैसे मैंने उस साइड पे बताया था, उस कोने में जाते हैं बंदे बी पे, जैसे इस कोने में जाते हैं वैसे इस कोने में आते ही ये बंदे। ठीक है, कैमरा इधर कहीं लगा सकते हो एक थोड़ा सा, या फिर मैं इधर लगाता हूँ, क्योंकि मैं ये ट्रैप कैमरा इसलिए लगाता हूँ क्योंकि बंदा जब तक यहाँ तक नहीं आएगा ना, ये कैमरा तोड़ नहीं पाएगा आपका, और दिखेगा तो आपको सब कुछ ही। देखो मिड से भी आते हुए दिख रहे हैं, हॉल्स भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, सब दिख रहा है ये कैमरा। और ये कैमरा आप हर बार भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हर बार उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। भले उसको पता है कैमरा यहाँ है, लेकिन उसको यहाँ तक आना ही पड़ेगा कैमरा तोड़ने, विच इज़ वेरी, वो वल्नरेबल हो जा रहा है काफ़ी उस चीज़ के, क्योंकि उसको उतना अंदर आना पड़ रहा है कैमरा ट्रैप तोड़ने के लिए। ये देखो ये ट्रैप्स भी लगा सकते हो, क्योंकि बंदे इधर आते हैं। फिर इधर ऐसा कुछ ट्रैप लगा सकते हो, ये ट्रैप लगा सकते हो, इधर के मैंने ट्रैप्स बता दिए, उस तरीके से यहाँ ट्रैप लग जाएंगे। और अगर वो लोग बार बार हॉल्स ले रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, हॉल्स में भी एक ट्रैप लगा दो। हॉल्स में ट्रैप किधर लगाना है, अगर आप हॉल्स खेलना चाहते हो एज अ साइफर, तो आप ये वाला ट्रैप लगा सकते हो बाद राउंड स्टार्ट होने के बाद, ऐसा आगे है ना उधर। ये कब आ रहा है, रेंज में नहीं आ रहा, इधर लगता ही नहीं ट्रैप, इधर कहीं तो ट्रैप लगता होगा। इधर भी लगा दोगे अगर तो भी वो गेट खोल देगा पहले गेट। मैं इधर एक ट्रैप देख लेता हूँ, राउंड स्टार्ट, हाँ यहाँ लगा सकते हो अब राउंड स्टार्ट होने के बाद ऐसे ट्रैप। बट ये ट्रैप यहाँ से, हाँ ये ट्रैप लगा दो ऐसे, क्योंकि अगर वो आएगा तो ये ट्रैप ब्रेक होने के बाद ही गेट खोल पाएगा। वरना क्या होता है यहाँ वाले ट्रैप में कि गेट तो फिर भी खोलेगा, बट आप ये ट्रैप लगा सकते हो क्योंकि गेट खुलने की साउंड आ जाती है। तो बस वही है कि फिर वो गेट खुल के आपको फाइट तो लेनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट आपके पास इन्फो रहेगी कि गेट खुला है या नहीं खुला है, तो बंदे मैक्स टू मैक्स यहीं तक आ सकते हैं। तो रोटेशन के टाइम यहाँ देखते हुए आएंगे आप, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ लोग ये कैमरा यहाँ भी लगा देते हैं ट्रैप, क्योंकि वो ट्रैप नहीं लगाना चाहते आप, क्योंकि यहाँ वाला ट्रैप सिर्फ इन्फो देता है। तो इन्फो आप कैम से ले लो, कैम थोड़ी 4-5 सेकंड में खोल लो और दोनों ट्रैप यहाँ लगाओ, जिससे वो ट्रैप पे किल ले पाओ। ठीक है, ये हो गई साइफर की चीज़ें। वाइपर का भी मैंने आपको ए बी साइड दोनों बता दिया है, और अब होगा अटैक साइड। अटैक साइड में मुझे कैमरा लेके आना पड़ेगा। हाँ, अटैक साइड में आपको, अब मैंने ये सब आपको बताया है साइफर के लिए और वाइपर के लिए, क्योंकि डिफेंस में मेन तो इन दोनों का ही काम है। बाकी तीन जो एजेंट हैं वो फ्लोट करते रहेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे। थोड़ा सोवा है तो मोस्टली सोवा को रिकॉन बचाना है, जब वो अंदर घुसे उस टाइम यहाँ रिकॉन, या कहीं भी, मतलब इस एरिया में कहीं तो रिकॉन करना है, इस एरिया में पूरा यहाँ कहीं रिकॉन आना चाहिए इस ये पूरे एरिया में, ताकि वो जब अंदर घुसे वो रिकॉन, जैसी जेट ने डैश किया, रिकॉन का टाइमिंग अच्छा होना चाहिए कि वो घुस रहे और आपसे फाइट लेने में भी बिजी है और रिकॉन ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, और सेम बी साइड पे भी है ना। ये सोवा का मैंने हमेशा बताया है, कोई भी एजेंट की आपको एजेंट गाइड सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कौन सी होटल कब यूज़ करनी। ठीक है, अब साइफर का बता देते हैं अटैक का। एक ट्रैप मैं ये लगाता हूँ, अगर मैं बी भी जा रहा हूँ तो भी ये ट्रैप लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को ए लर्क कट करना है सबसे पहले। तो कैमरा दूसरा मैं यहाँ लगा देता हूँ। और आप बोलोगे एल्बो क्यों नहीं लगा रहे हो, तो एल्बो मैं खुद चले जाऊँगा, है ना, एल्बो मैं खुद चले जाऊँगा। या तो मैं अर्ली राउंड यहाँ रुकूँगा, क्योंकि जो लोग, या तो वो बंदे पुश करेंगे एल्बो तो पहली फाइट हो जाएगी, या आप मारोगे मरोगे, मर गए तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। नहीं तो आप यहाँ रुकेंगे, अर्ली फाइट लेने की ज़रूरी है। साइफर खेल रहे हो, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, साइफर खेल रहे हो, आपका काम एंट्री का नहीं है, आपका काम फर्स्ट ब्लड का नहीं है, आपका काम राउंड के 15-20 सेकंड में हीरो बनने का नहीं है एज अ साइफर इन अटैक, है ना। आपका काम है ये रोटेशन कट करी, या बंदा यहाँ से कूद रहा है उसको मार दिया, या फिर इन सबको जाने दिया और लेट राउंड इधर आके एक दो मार लिया, और एक ऐसा मारा और वापस भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वहाँ गए तो वहीं चले ही गए, पूरा एक किल लेके भी आप वापस आ जाओगे ना, तो क्या होगा, जो बाकी दो बचे उनका अटेंशन ड्रॉ कर लिया है, मतलब रीटेक में आपने शायद 3-4 सेकंड या 5 सेकंड अब और बाय कर लिए, प्लस आप इधर आ गए हो अब, तो अब आप चले जाएंगे सीधा विंडो, और विंडो से इजी साइट डिफेंड, बेस्ट भाई। ब्रीज पे रीटेक करना इतना मुश्किल है, ब्रीज का अटैक इसलिए इजी होता है क्योंकि आप अटैक के टाइम सारी यूटिल डम करके कैसे तो साइट जाके प्लांट ले लो, उसके बाद रीटेक बहुत मुश्किल है। एक तो मैप बहुत लंबा है, यहाँ से बंदा उधर जाएगा उतने में उसको लगते हैं 15 सेकंड 10 सेकंड, और अब बच रहे उसके पास 20 सेकंड, वो आएगा, आपके टीममेट 2-3 टीममेट जिससे फाइट लेगा,
अब बच रहे उसके पास 15 या 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स, 7 सेकंड तो डिफ्यूज के लगते हैं, मतलब आपको वेस्ट करने सिर्फ 13 सेकंड। वो 13 सेकंड आप एक को मारा, ये जिगल किया, अगर कैमरा वापस उठा लिया है तो कैमरा लगा के इसको टाइम वेस्ट कर लिया, कुछ ना कुछ करके टाइम वेस्ट करके ही आपको वो राउंड मिल जाएगा बहुत इजीली, है ना। क्या पता वो राउंड में आपके पास सोवा अल्टी हो या आप वाइपर ऑलरेडी पिट में, बहुत सारे सिनारियोज है, बस टाइम वेस्ट करना है प्लांट होने के बाद। आप ये हो गया बी का। और एज ए डिफेंडर जब आप रोटेट करते हो ना यहाँ से, अगर आप मिड रोटेट कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि साइफर यहाँ लर्क करता है, तो आप जब जाते हो तो इधर चेक करके जा रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, जैसे आप यहाँ ऐसे साउंड दोगे ना, ऐसे साउंड देते हो जाते टाइम, तो साइफर आपकी साउंड सुन रहा है, वो यहीं रुका हुआ है वो। फिर जैसे उसको पता लगेगा ना कि अब वो क्रॉस कर गया, उसके बाद वो वॉक इन करना स्टार्ट करेगा। तो मेक श्योर करो ऐसे देखते हुए जाओ थोड़ा सा और फिर चले जाओ, ठीक है। डिफेंडर्स के लिए था ये, हम वैसे अटैक की बात कर रहे हैं। अब ये कैमरा यहाँ क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप जब इधर आ रहे हो लर्क करने, वहाँ कहीं रुके हो, ठीक है, उसके बाद आप ये कैमरा खोल के भी टैग कर सकते हो। ये बहुत मिड का इन्फो रखता है ये कैमरा, 80% ऑफ द राउंड्स में मैं ये कैमरा लगाता हूँ, क्योंकि ये भले सामने वाले को पता है यहाँ लगता है कैमरा, फिर भी ये कैमरा काम आता है, ठीक है। ये हो गया ए कलर। या फिर आप एल्बो ना जाके मिड भी आ सकते हो। मिड में आपको मेक श्योर करना है कि शुरू में आप इधर रुको और कैमरे में देखो, आपके बंदे वहाँ से जा रहे हैं, घुस रहे हैं, या तो विंडो में आपको दिख जाएगा, या फिर आप धीरे धीरे ऐसे इधर फाइट लेंगे, वॉकिंग करते हुए जाएंगे इधर। अगर सामने वाले वाइपर ने वॉल कर रखी है ऐसी कुछ, तो आपको ये वॉकिंग करना बहुत ईजी है। यहाँ आपने होल्ड करना है, उसकी रोटेशन कट करनी है, उधर केयरफुल होके क्योंकि कैमरा में आपने देख लिया है। फिर आप यहाँ से जो रोटेट कर रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, उनका रोटेशन यहाँ से भी कट कर सकते हो ना, मिड से भी इस तरीके से। अगर एल्बो नहीं आना है, आप बार बार एल्बो जा रहे हो सामने, प्रेडिक्टेबल हो गया है। लर्क भी प्रेडिक्टेबल नहीं करना है ना, टाइमिंग चेंज करती रहनी है और जगह चेंज करती रहनी है। ये हो गया आपका बी का साइफर लर्क। अब जब आपकी टीम यही जा रही है, यहाँ ट्रैप लगा दिया, कैमरा यहाँ लगा दिया, ये कैमरा खोल के अगर कोई आपको यहाँ से बैक स्टेप कर रहा है, बैक स्टेपर को बैक स्टेप कर रहा है, तो आप ये कैमरे में देख सकते हैं। आप मिड गए अर्ली राउंड और देखो, अगर वो बंदे वहाँ ये यहाँ पे इनिशियल आपकी इंस्टेंट फाइट नहीं हो रही है ना, तो यहाँ आके रुको। ये पिलर बहुत स्ट्रांग पोजिशन है साइफर लर्क के लिए। उसके बाद आप कैमरा खोल के सब देख सकते हो, आप सारी इन्फो दे सकते हो अपने टीममेट्स को कि अब ये जो घुस रहे हैं उनको मिड डोर्स का उतना ध्यान नहीं रखना है, अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा पहले से ही मतलब खेल ही इधर से रहा है, तो ये जगह तो वो देखेंगे, क्योंकि सुबह के ड्रोन के बाद एक बैक साइड रिकॉन मिलेगा, तो यही एरिया है जहाँ की आपके पास इन्फो नहीं। तो यहाँ आपके टीममेट फाइट कर रहे हैं और जो रोटेशन आएगी वो आप कट करें, और आपने कैमरा में देखा कि कोई नहीं आ रहा 5-10 सेकंड तक, फिर आपका लर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बंदे हैं वो आपके टीममेट से फाइट कर रहे हैं, आपको पीछे से इजी किल मिल गया, ठीक है। साइफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्क का टाइमिंग, इतना लर्क लेट मत कर देना कि आपकी पूरी टीम ही साइड पर मर जाए, है ना। अगर आपको लग रहा है वो लोग वहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं फाइट, तो आपको जल्दी भी जाना पड़ सकता है, भले आप वो साउंड दे के जाओ, भले ही आप मर जाओ, लेकिन अब मरना या मारना तो पड़ेगा उस सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि आप अपनी टीममेट को मरने ही दे जा रहे हो कि अरे वीडियो में तो बोला था कि उधर लेट लर्क करना है, डिसाइड करना है आपको साउंड और रडार में पोजीशंस देख के, ठीक है। जो हो गया साइफर का ए, हाँ अटैक में साइफर हो गया। अब अटैक का ही बता देता हूँ मैं, बाकी एजेंट्स क्या करेंगे। वाइपर की वॉल्स मैं आपको मैप पे ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार एजेंट ही चेंज करना चाह रहा हूँ भी, ठीक है। वाइपर की वॉल बनेगी राउंड स्टार्ट में, इधर तक का लॉक होता है, या तो आप इधर से ही वॉल बना दें या फिर राउंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ ऊपर से भी बना सकते हैं। ये पिरामिड को हाफ कट करते हुए ले जानी है वॉल, ठीक है। ये सब बेसिक वॉल है, उतना ही ज़रूरी है, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि अरे एक वॉल और देखी थी वो ज़्यादा खतरनाक, कुछ नहीं भाई, बेसिक सी वॉल बना दो। ये वॉल सिर्फ इतना काम करेगी कि थोड़ा सा एरिया ब्लॉक करना है, क्योंकि वाइपर मैप ब्रीज बहुत बड़ा मैप है, वो एरिया ब्लॉक कर दिया। आपके सोवा ने यहाँ से ड्रोन करना है, जंप करके इसके ऊपर से ले जाना है ड्रोन, ऐसा ड्रोन गया। जब भी ड्रोन करते हो तभी योरू या रेना जो भी आपकी टीम में है उसका एक फ्लैश इंस्टेंट जाना चाहिए योरू और सोवा के ड्रोन के साथ, ताकि वो ड्रोन ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि वो ब्लाइंड है, अब तो ड्रोन नहीं ब्रेक कर पाएगा, ठीक है। ड्रोन से मैक्स इन्फो लो, जैसे ही ड्रोन आता है तो आपके बंदे अब यहाँ ऐसे आ रहे हैं ड्रोन के साथ, वॉक इन कर रहे हैं आगे की तरफ, है ना, वॉक इन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे वाइपर की वॉल है, जैसे ही आपका ड्रोन खत्म होता है इंस्टेंट इधर रिकॉन, या फिर इधर, या फिर अंदर आके इधर भी रिकॉन कर सकते हो, वो भी यही है सिचुएशन के हिसाब से। आपको लग रहा है बंदों को ये साइड इजीली मिल जा रही है, फिर यहाँ कोई खेल ही नहीं रहा है ड्रोन में, मुझे पता लग रहा है कि ज़्यादा बंदे इधर हैं, इस तरफ हैं ड्रोन में, मुझे 2-3 बंदे इधर ही दिख गए, तो रिकॉन इधर का करो,
ताकि आपके बंदे इजीली ले पाएँ। और जैसे ही वाइपर वॉल भी है, और शायद अब वाइपर वॉल एंड होने वाली है क्योंकि फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो रिकॉन से वो पोजीशन मिल गई। एक बंदे ने प्लांट किया साइफर को, साइफर लेट आ जाएगा, या तो 5v5 रीटेक है तो साइफर को बहुत लेट लर्क करना है क्योंकि अब आप चारों जिंदा हो साइड पे, तो आपको चारों को मरना है तब तक। वो मैंने बताया ना, टाइमर आपके दिमाग में चलना चाहिए प्लांट का कि अभी 40 सेकंड में से, या जितना भी होता है स्पाइक का टाइम, उसमें से 20 सेकंड तो वेस्ट हो ही गए उनके, तो और भी लेट लर्क कर सकते हो। एंड में आना है, जो बंदा डिफ्यूज़ करना है उसको ही मारना है अपन को इधर, क्योंकि प्लांट इधर करना है तो यहाँ से भी दिखेगा प्लांट साइट। कभी कभी होता है आपके बंदे इधर प्लांट कर देते, जो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं, अगर साइट मिल रही है कभी यहाँ प्लांट मत करना, और बिल्कुल ही साइट फ्री है एकदम, इधर का प्लांट करो भाई, ये कोने में, एकदम इस कोने में पूरा देखो, वहाँ से भी अब दिख रहा है स्पाइक, यहाँ से भी ओपन, मतलब बहुत ओपन है ये प्लांट। अगर यहाँ प्लांट करने मिल रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, ये वाला ही प्लांट करो, क्योंकि यहाँ के प्लांट में इधर से भी कवर चाहिए, इधर से भी कवर चाहिए, सब जगह से कवर चाहिए, टीममेट कवर देते नहीं है, तो प्लांट इधर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा इधर रखो और प्लांट उस तरफ देख के करो। उस तरफ देख के प्लांट करने से क्या होता है, स्पाइक ये बाहर की तरफ आएगा तो थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ेगा उसका, मतलब ज़्यादा एक्सपोज होगा सामने वाला जब डिफ्यूज करेगा। ठीक है, ये हो गया ए का एग्जीक्यूट। यूरू ने जेट इधर डैश करेगा फ्लैश के बाद स्मोक के अंदर। यूरू जो मोस्टली यहाँ टीपी डाल के फ्लैश टीपी करते हैं, वो शायद अब हाई रैंक में नहीं चलता है उतना, क्योंकि लोग अवेयर होते हैं, उसका काउंटर कर लेते हैं, पहले ही छोड़ देते साइड, या रेडी रहते हैं एंटी फ्लैश खेल के इधर मारने के लिए, या सोवा रिकॉन कर देता है इधर। तो मैं आपको बोलूँगा कि इधर ही टीपी डालो, जेट के डैश के साथ इधर ही टीपी करो, फिर एक और फ्लैश के साथ जेट के साथ स्विंग करो पीछे। यूरू के पास एक फ्लैश बचा होगा अब, है ना, पहला फ्लैश तो ड्रोन के टाइम किया, दूसरा फ्लैश इधर करके टीपी अंदर। बाकी वाइपर ने प्लांट करना है, साइफर लर कर लेगा, सोवा रिकॉन करने के बाद सोवा इधर आ रहा है और बाकी को कवर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया साइफर का लर्क उधर। साइफर हॉल्स में भी लर्क कर सकता है, हॉल्स में देखना है पहले जिगल करके कि ऑपर तो नहीं है, अगर ऑपर नहीं है धीरे धीरे वॉकिंग करना स्टार्ट करो, और कोई जल्दी नहीं है लर्क करने की, जैसे पहले बताया है। यहाँ तक आ पा रहे हो ऐसे ऐसे पूरा एम करते हुए अटेंटिव रहना है, और यहाँ तक आ पा रहे हो अगर तो इधर रुकना है, इधर रुकना है पहले, ऐसे नहीं रुकना है क्योंकि वो चेक करते हुए जाएगा, इधर रुकना है। अगर वो हॉल जा रहा है तो इससे फाइट लेनी, नहीं तो फाइट फोर्स नहीं करनी अपन को, वो जब क्रॉस करेगा उसके बाद आगे जाना है और फाइट लेनी है, अगर आप हॉल से लर्क कर रहे हो तो। ऐसे ही डिफेंडर्स के लिए ये लर्क का ध्यान रखते हुए जाना है क्रॉस करते टाइम, वो टाइमिंग कर रहा है तो अब थोड़ा तो साइफर, सामने वाला साइफर टाइमिंग कर रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप जितना अवेयर हो सकते हो एज ए डिफेंडर रीटेक के टाइम उतना अवेयर होते हुए जाना है। ठीक है, और बी साइड पे एग्जीक्यूट कैसे करना है भाई, इसको लग रहा है कि मैं स्क्रिम्स खेल रहा हूँ। चलो, बी साइड पे जब आना है तो राउंड स्टार्ट होते ही सोवा ने एक शॉक डार्ट यहाँ करना है और फिर ड्रोन करना है। पहले शॉक डार्ट, राउंड स्टार्ट होते ही शॉक डार्ट करना है, क्योंकि कभी कभी बंदे अपने रुकते नहीं हैं, कभी क्या होता है कि ड्रोन भी नहीं मांगेंगे आपसे, बोलेंगे सीधा शॉक डार्ट से तोड़ और एक रिकॉन दे दे हम घुस रहे हैं बस। तो उधर रिकॉन कर दिया, या फिर इधर भी कर दिया, या फिर इधर कर दिया, या इधर कर दिया, ऐसा कुछ तो रिकॉन करके आपका यूरू क्लोन डालेगा, टीपी डालेगा, फ्लैश करेगा, अंदर घुसेगा, जेट इधर डैश करेगा, वाइपर इधर प्लांट करेगा, साइफर आपका लर्क पे है, ऐसा सोवा आप अब रिकॉन करके अंदर घुस रहे हो। मेक श्योर करो अगर इजीली प्लांट मिल गया है तो यहाँ रुकें, और अगर आपके पास ड्रोन बच रहा है तो बहुत सेफ जगह है ये, इसमें आप बहुत लेट आराम से ड्रोन कर सकते हो इवन आफ्टर 15 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपके बंदे इधर फाइट ले रहे हैं तो वो फाइट लेते रहेंगे, एक दो मर भी गए होंगे अब तक। फिर ड्रोन किया और देखा कि किधर किधर हैं, एक को टैग कर दिया, वो जो टैग वाला बंदा है वो और रुकेगा अभी क्योंकि वो टैग्ड है। दूसरे बंदे जो आ रहे हैं उनसे ऐसे जिगल करके टनल, ये यहाँ खेल रहे हो अगर आप तो फाइट ज़्यादा ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने टाइम वेस्ट करना है बस, क्योंकि अब आपका साइफर भी आ रहा है पीछे से, वो सब भी देखना है। उसके बाद अब राउंड ख़त्म, जैसे ही इतनी टाइम हो चुका है आपके पास रिकॉन भी वापस आ गया होगा तो लेट राउंड इधर या इधर ऐसा कहीं भी रिकॉन करके फाइट ले सकते हो। और अगर आपको इजीली प्लांट मिल जा रहा है, सब कुछ है, अल्ट भी है, तो आप विंडो भी चले जा सकते हो, ऐसे सोवा ड्रोन कर दिया, रिकॉन विकॉन सब दे के सीधा ही विंडो चले जाओ और अपनी अल्ट पे खेलो। अगर आपके पास अल्ट है सोवा की ब्रीज पे और फिर भी आप राउंड हार रहे हो, मतलब आपकी टीम ने बहुत गलती करी है, तो इस तरीके से खेलना है ब्रीज। कुछ रह तो नहीं गया बताना, हाँ मिड एग्जीक्यूट्स थोड़े बताता हूँ। अगर एज एन अटैकर आप आ रहे हो, आपको लग रहा है साइट यार बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं, वो तीन चार बंदे एल्बो आके एल्बो फाइट लेके यहाँ पे ऐसे देखते हुए यहाँ से भी साइफर को प्रेशर कर सकते हो। अगर साइट नहीं मिल रही है, वो सामने वाला साइफर कुछ क्रेजी सेटअप लगा रहा है, वो बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है मेरी तरह, मतलब कोई अच्छा साइफर है जैसे, तो आप एल्बो से भी पुश कर सकते हो यहाँ पे, और
एक बंदा हॉल्स होगा, हॉल्स में रिकॉन कर दो, कुछ कर दो, तो हॉल्स वाले को वैसे ही आप काउंटर कर लोगे। या फिर मिड टू ए अगर करना है तो वाइपर आपका यहाँ आएगा और यहाँ खड़े खड़े ऐसे वॉल देगा, ताकि ये येल्लो का ये एरिया भी कट हो गया, मिड भी आपको जाने के लिए कवर मिल गया। ये वॉल करी, यहाँ से अंदर घुसे, सोवा यहाँ से आएगा, सोवा का रिकॉन यहाँ करा दो या यहाँ करा दो घुसते टाइम, फिर योरू के फ्लैश एक इधर, जेट अंदर आएगा और यहाँ से फाइट लेनी, और एक दो बंदे यहाँ से भी आएंगे आपके, साइपर वाइपर या नहीं, वाइपर तो मिड से आ रहा है। अगर सोवा वहाँ से नहीं आया है तो सोवा मेन से आएगा और सोवा बैक साइड रिकॉन यहाँ कर देगा, जिससे ये बंदे रिवील तो होंगे ही सारे, तो यहाँ से घुसने वाले को ईजी हो जाएगा। डुअलिस्ट एक तो इधर आएगा ही आएगा, मोस्टली दोनों डुअलिस्ट को ही भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका साइफर अगर फिर भी एल्बो लर्क करना चाह रहा है कर सकता है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट दे, क्योंकि आप मिड कर रहे हो तो बंदे आप टनल आके आपको आपसे फाइट लेंगे, क्योंकि सामने वाले ने कॉल दी होगी ए वाले ने कि मिड टू ए हो रहा है, तो जो यहाँ वाला बंदा है ना वो टनल से यहाँ आपको मारने के लिए आएगा, उसको आपका साइफर काउंटर कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो मैप जो आपके गेम में चल रहा है और जितने राउंड्स हो गए हैं उस हिसाब से आपको ये सब कॉल देनी है कि इस बार मिट्टू ए करना है, मिट्टू बी करना है, या डायरेक्ट ए करना है, डायरेक्ट बी करना है। डायरेक्ट ए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जब तक हो रहा है तब तक करते रहो भाई रैंक में, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। बस इतना ही है इसमें। एजेंट्स में जैसे मैंने बताया हार्बर वाइपर खेल सकते हो, तो साइफर तो खेलना ही है, साइफर खेलना है। चेंबर ले लिया तो पाप कर दिया आपने इस मैप में, ठीक है। साइफर के अलावा कोई सा भी सेंटिनल ले लिया आपने, मतलब आपने घोर अन्याय कर दिया है, पाप कर लिया आपने। साइफर इज़ अ मस्ट, जेट इज़ अ मस्ट, सोवा इज़ अ मस्ट, ये तीन तो खेलने ही खेलने हैं। वाइपर हार्बर में आपका ऑप्शन है रेना, योरू, नियॉन, ये सब में ऑप्शन है। आईसो मतलब उतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बनाता है, क्यों बड़ा मैप है, एक अकेला डुअलिस्ट डैश इन करेगा बेचारा पिटेगा, तो दो होंगे और फ्लैश होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, कॉमेंट्स में बताओ कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया ऐसे बताने के लिए तो कमेंट्स में बताओ। और एक और चीज़, अगला मैप गाइड कौन सा डालूं ये भी कमेंट्स में लिख देना। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइब्ड, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो। रोज़ शाम को 7:30 बजे स्ट्रीम करता हूँ, स्ट्रीम पे आओ, स्ट्रीम पे देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से खेल रहा हूँ या फिर मेरे टीममेट कैसे खेल रहे हैं। तो और आपको कुछ डाउट है तो स्ट्रीम पे पूछ भी सकते हो, सीधा लाइव एकदम इंस्टेंट रिप्लाई। कमेंट में कभी कभी क्या है वो कम्युनिकेशन उतनी हो नहीं पाती है, स्ट्रीम पे बेटर कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। स्ट्रीम ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, डिस्कॉर्ड, वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।